दिलवाले कभी माने नहीं हार, कर ले तू भरोसा मेरे यार। कैसा लगा बेक? आज तुम्हारी लाडो आ रही है। गाड़ी निकालते हुए मैं ऑलमोस्ट उस पर टच हो गई थी, टेढ़ी लगाई हुई गाड़ी। माय गॉड, फुस होने वाला ऑलमोस्ट। ओ माय गॉड, विकी थार में पानी के छींटे गिर गए, कितनी बुरी बात है। चलें। फोन गिर गया, इसलिए फोन पे नहीं लग रही, इसलिए गाड़ी पे लग रही है। अरे मतलब तुम यार स्क्रैच तो लगते ही है ना, दोनों जगह लग रहे हैं यार। हाँ। निकलेंगे क्या मेरी गाड़ी के डार्क स्पॉट्स? तुम्हारी गाड़ी के डार्क स्पॉट्स के लिए अलग रेमेडी बनानी पड़ेगी। तो अभी हम जा रहे हैं थार लेने। आप लोगों ने देखा ही होगा कि कल हम गए थे थार को ट्रीटमेंट करवाने उसके बाहर पेंट पे, तो अभी वो रेडी हो गई है, हमें फ़ोन आया था। तो हम जाते हैं और देखते हैं कैसी लग रही है थार, उसको लेके आते हैं। प्रीति भी साथ में चल रही है मेरे। कहाँ है प्रीति? हाय, I'm ready. तो काफ़ी टाइम लगा रही है, पिछले एक घंटे से मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ कि चल ले। काम कर रही थी यार। हाँ काम कर रही थी, ये काम के बहाने मत मारा करो। अच्छा मैं अब उठी हूँ वहाँ से भाई। हाँ तो फिर देखते हैं कैसी लग रही है। आई एम प्रीटी मच श्योर, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं कि मजा ही आने वाला है। कुछ जबरदस्ती लग रही होगी, बट लेट्स सी। वेट से कंट्रोल नहीं हो रहा, इसलिए एक घंटा लगा नहीं है वैसे। नहीं, एक घंटा लग गया है। तो चलिए मिलते हैं फिर सीधे आपको नीचे गाड़ी में। जल्दी आओ। यस यस यस। माइनस वन। कैसा लगा बेक? आज तुम्हारी लाडो आ रही है। क्रेटा का सारा सामान मैंने रख दिया ऊपर। ओके। तो ये इसमें जाएंगे और फिर उधर से आओ भाई। ओ, I'm so sorry. इसमें जाएंगे और इसको छोड़ देंगे, इसको भी वॉश कराते हैं, गंदी हो रही बहुत। ओके। ठीक है। गाड़ी निकालते हुए मैं ऑलमोस्ट उस पर टच हो गई थी, टेढ़ी लगाई हुई गाड़ी। किसने लगाई थी लास्ट टाइम? एक प्रो ने लगाई थी, एक प्रो ने। ठीक है। लग रहा है कि स्टीयरिंग ओ मैन, ये वाला टायर प्लीज, ये नहीं होना चाहिए, नो पंक्चर। पिछली बार जब मैं जा रही थी ना, मैंने व्लॉग में नहीं दिखाया, जब मैं जिस दिन मैं दिल्ली जा रही थी उस दिन मैंने पहले एक घंटा पंक्चर लगवाया था। और यही वाला जो पैसेंजर सीट है, है? अगेन इस टायर में कोई प्रॉब्लम हो गई मेरे ख्याल से। इसमें पंचर ढंग से सही नहीं कराया जब भी तुमने कराया लास्ट। पंचर मैंने ठीक कराया था, बहुत ही कम हुआ है, धीरे धीरे चलना पड़ेगा मगर। पर ये पहुंच जाएगी वहां तक, उस दिन भी यही हुआ था। हाँ तभी तो उस दिन के बाद से सही नहीं हो पाया, पंचर कट गया होगा कहीं से, पतली ले गई चला के जबरदस्ती। ये देखो ठीक कराया था उस दिन भाई, ठीक कराया था उस दिन। अरे यार चलो कोई नहीं, बाहर ही है हमारी सोसाइटी के एकदम, तो वहाँ पे ठीक करा लेते हैं। उससे पहले ये जो 25 स्पीड ब्रेकर है ना अंदर ही अंदर, ये टायर की और मौत करते हैं। हाँ वो तो है, खैर बहुत सारे ब्रेकर हमारी सोसाइटी में। देख माय गॉड, फुस होने वाला ऑलमोस्ट। वे लास्ट टाइम ही पंचर बनवाया था, उसके बाद से इसमें दो बार हवा खत्म हो गई है। कैसे बनवाया आपने? पंचर बनने तो काफी टाइम हो गया भैया, इसके अंदर नहीं बना था। तो हमने पंचर लगवा लिया है और अब हम जा रहे हैं 3M। जिसने पंचर बनवाया भी था किसी ने। पंचर उस दिन बनाया था तभी तो बताओ, गाड़ी कितने पंचर निकले बताओ? दो, तीन। ओके, तीन कीले घुसी हुई थी टायर में और कोई पंचर बना के एकदम, तभी मैं बताऊं दो बार कैसे। मैं नीचे जा रहा हूँ हवा कम। अच्छा मुझे एक बात बताओ सबके सब, कौन कौन सड़क पे कील देख सकता है चलते हुए? मैं नहीं देख सकती, मेरे पास ये सुपर पावर नहीं है। सड़क पे मत देखो, वेग जी के पास है, ये कील देख लेते हैं यार सड़क पे। मुझे लिटरली समझ नहीं आता कैसे देखते हैं। इन्होंने मुझे दिखाई है एक बार रोक के गाड़ी, ये देख तुम्हारी वीक हो रही है, तुमने व्लॉग डाला था ना कुछ टाइम पहले। वो उसकी वजह से हो रहा है, बाकी कुछ नहीं है। मेरी आईसाइट वीक है अनडाउटेडली, पर किसी की आईसाइट ऐसी नहीं होती कि वो कील देख ले यार सड़क पे, मैं नहीं देख सकती। आई एम सॉरी। अच्छा एक चीज और, वो लास्ट वाले व्लॉग में कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि आप लोग हस्बैंड वाइफ तो दोनों व्लॉग डाल रहे हो और कैसे तुम, मतलब आप पागल बना रहे हो आपके हस्बैंड को कैसे सरप्राइज, जबकि आप व्लॉग भी डाल रहे हो तो उनको पता नहीं चलेगा। अरे मैंने फर्स्ट व्लॉग में आप सबको बताया था कि मैं व्लॉग्स डालना शुरू ही तब करूंगी जब विवेक को सरप्राइज मिल जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि उनको कैसे, मतलब
इतना तो इतने बुद्धू नहीं है मतलब नॉर्मली उन लोग जो भी लोग ये कमेंट कर रहे हैं उन लोगों ने शायद पहले का व्लॉग फर्स्ट व्लॉग नहीं देखा पूरी तरह से, कहानी पूरी पता नहीं है कि क्या होता है कैसे किया है क्या किया है। गाड़ी जब मुझे मिल गई थी उसके बाद ही पहला उसके बाद पहले व्लॉग स्टार्ट हुए हैं जाने, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैं व्लॉग्स बना रही हूँ लेकिन मैं अपलोड तब करूंगी जब वेग जी को सरप्राइज मिल जाएगा ताकि सबको इसीलिए तो मेरे लिए पूरा सरप्राइज था कोई मिलके हम पागल नहीं बना रहे हैं, आप तो इतने प्यारे लोग हैं आपको पागल कैसे बना सकते हैं। अरे नहीं वो एक दो ऐसे ही थोड़े बहुत होते हैं ना लोग जल्दी से बिलीव नहीं कर पाते बस वही है। बट एनीवेज मेरे लिए भी उतना ही सरप्राइज था व्लॉग, मतलब आप लोग जितना इंटरेस्ट से देख रहे थे उतना मैं भी देख रहा था। वेग जी के लिए भी सरप्राइज था, वेग जी वाज लाइक मैं जैसे हर बार वीडियोस बनाती हूँ फिर मैं वेग जी को दिखाती हूँ पहले अपलोड करने से पहले, लेकिन इस बार ही सेड कि नहीं मैं नहीं देखूंगा, यू जस्ट मेक द व्लॉग अपलोडेड और मैं तभी देखूंगा, मेरे लिए पूरा सरप्राइज है तो मैं पूरा ही सरप्राइज की तरह देखूंगा। सो यस ही बहुत ही अमेजिंग व्लॉग बने थे, मतलब मुझे तो बहुत ही पसंद आए एंड आप लोगों को भी आए तो थैंक यू सो मच। थैंक यू और प्रीति प्रेरणा को सबसे ज्यादा हमारी प्यारी थैंक यू। ऑलराइट सो वी हैव रीच्ड, अब देखते हैं वेग जी की लाडो कैसी दिख रही है। लाल लाडो ये खड़ी है ना सामने दिख रहा टायर का, और देख भी लिया देखो बाहर से, मैंने तो देखा भी नहीं है। चलो लेट्स गो इनसाइड, एक बैग ले लेते हैं उसमें डाल लेंगे सारा, ये सारा तुम्हें थार वाला लूंगा थार में ट्रांसफर कर देंगे। ऑलराइट लेट्स गो एंड सी जगह ऑडी। ओके इस पर हुआ है पेंट और इस पे भी हुआ है, इस पे भी हुआ है कुछ प्लास्टिक पे मीनिंग हुई होगी, ये हुआ है ना मेन तो। वेग जी इंस्पेक्शन करते हुए और मैं वेग जी के पीछे चल रही हूँ, आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया व्हाट्स गोइंग ऑन। डीलरशिप पे लगा नहीं, ये लगा नहीं था लेकिन यहाँ नहीं लगा तो सो फाइनली मीटिंग योर थार, कैसा लग रहा है विक? इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू सिट डाउन यार, इतना ऊपर कैसे बैठे। ओके आराम से आ गई तू। ओके देखो पानी मिला है, पतंजलि का दिव्य जल आ चुका है ऑडियंस विद मिनरल्स प्राउडली इंडियन। वाओ मैंने तो पहली बार देखा, तुमने देखा था पतंजलि का पानी भी आ गया? यही भी है मैंने। वाओ गुड। ऑलराइट सो इस दिव्य जल को पीकर देखते हैं कि ये कितना दिव्य है। लिपस्टिक मेरी नाक में लग गई है, इट्स ओके। सो दिस इज द दिव्य पतंजलि का दिव्य जल। हाउ वाज इट? ठीक है, मतलब पानी है, इतना पानी गिरा था कौन है पीते है? मैंने पहली बार देखा किसी को इतना गिरा, सूप में थोड़ा सा गिरा है, थोड़ा सा नहीं भी पानी की छींटे गिर रहे हैं। ओ माय गॉड विकी थार में पानी के छींटे गिर गए, कितनी बुरी बात है। चले यस, मैंने यहाँ पे एक नया सलोन देखा है कैची, लेट्स सी हाउ इट इज। कैची धाम याद आ गया, सो लेट्स गो इन वेक्स थार नाउ। हाउ इज इट वेक? ओह गुड टू बी बैक इन टू गुड। अरे हमने क्रेटा दिखाई थी ना, छोड़ दी हमने। हाँ क्रेटा को बाय बाय बोल दिया, वो गंदी हो रही थी ऑब्वियसली, उसकी अब धुलाई होगी और अब वो फिर हमारे हवाले हो जाएगी। अभी हमने यहाँ पर कैमरा होल्डर नहीं लगाया है पर मैं लेकर आ चुकी हूँ दो दो कैमरास, कैमरा होल्डर्स हैं एक्चुअली दोनों थार के लिए, क्योंकि इसकी विंडो इतनी बड़ी, आई विल शो इट टू यू, ये देखो इतनी बड़ी विंडो है, तो मैं दो लाई हूँ, एक वहाँ के लिए एक यहाँ के लिए, सो दैट वी कैन ईजिली व्लॉग और कोई परेशानी ना हो एंड हम सेफ भी रहें। हाउ इज इट वेग जी? बैक, अब आएंगे मजे, अब आएंगे मजे, अब आएगा मजा। बट मेरे को जो इसकी विजिबिलिटी है ना और जो मतलब ड्राइविंग पोजीशन है जिस हाइट पे आप बैठते हो ड्राइव करने, इट्स अमेजिंग।
अमेजिंग। वो फील फैक्टर इज वेरी वेरी वेरी। ये देखो यहाँ पे भी क्रेटा में आप बैठते हो ना, तो क्रेटा में ये जो पोर्शन है आप यहाँ पे ऑलमोस्ट इसमें यू फील लाइक वाओ, यहाँ पे इतना काफी अच्छा यू नो पोजीशनिंग है, यू कैन सी द एंटायर थिंग एंड काफी अच्छी विजिबिलिटी। क्या काला टीका जैसे काम करेगा वो छोटा सा स्क्रैच? हाँ, आगे थोड़ा सा जो मैंने अभी आपको दिखाया हल्का सा स्क्रैच लग गया है, और मैं बताती हूँ स्क्रैच कैसे लगा है। मैंने जो स्ट्रिप लगवाई थी साइड में, मैंने आप सबको दिखाया था, वेग जी ने वो उतरवा दी, हटवा दी, तो उसको हटाने के चक्कर में वो हल्का सा स्क्रैच आया, बट इट्स ओके। मुझे अच्छी नहीं लगी। चांद पे दाग तो होता ही है ना, ये बात। उसमें वो लगा देंगे हम क्या, विटामिन सी टोनर। विटामिन सी टोनर डार्क स्पॉट्स के लिए होता है ना वो। हाँ। निकलेंगे क्या मेरी गाड़ी के डार्क स्पॉट्स? तुम्हारी गाड़ी के डार्क स्पॉट्स के लिए अलग रेमेडी बनानी पड़ेगी। मेरे नेल पेंट से भी भयंकर लग रहा तुम्हारा रेड। अपने नेल्स पे भी करा लूं या ला पीओपी क्या है? सिरेमिक कोट है। वही है जो तुम नेल पेंट के बाद कुछ लगाती है ना, तो टॉप कोट वही, बस ये टॉप कोट है भैया। हम अपने नाखूनों में लगाते हैं, तुमने देखना है पूरी गाड़ी पे लगाते हैं। ये गाड़ी में कोटिंग करते हैं, उसको लॉक करते हैं, उसके बाद एक टॉप कोट लगाते हैं जो कि नेल पॉलिश के प्राइमर उसको जैसा उसके जैसा ही होता है कुछ। अच्छा, उससे क्या होता है लॉक हो जाता है, उसके बाद एक हल्की सी पतली सी कोट आ जाती है जो कि आपको डस्ट और धूल को टिकने नहीं देती। सही बात, पानी को। अगर हम आपसे बात करें विजिबिलिटी के बारे में, तो आप देखिए मैं यहाँ बिल्कुल आगे पैसेंजर सीट पे बैठी हूँ और पीछे वो विजिबिलिटी देखो भाई साहब, लिटरली एक ओपन टेंट में हुआ। बहुत ही ज्यादा माचो गाड़ी है भाई साहब, मसल्स अंदर भी है गाड़ी के। वो देखो ये क्या है, ये भैया पाइपलाइन। दिस इज ओल्ड स्कूल रेट्रो लुक है, ये रेट्रो लुक, जीप लुक, जीप की कॉपी करी है। अरे ओरिजिनली लाइक 1980s 1990s में महिंद्रा के पास ऑफिशियल राइट्स थे जीप को बेचने के यहाँ पे। अच्छा, तो जो आप पुराने देखते हो पहाड़ों में बहुत पुरानी ऐसे जीप चलती हैं, दो हजार ओरिजिनल जीप। हाँ। महिंद्रा उस टाइम पे जीप बेचती थी यहाँ पे। बाद में फिर इनका खत्म हो गया जो भी कोलैबोरेशन था, तो अभी नहीं बेच सकते, बट ये डिजाइन का कुछ ऐसा कि इंडिया में महिंद्रा कर सकती है विद हल्का फुल्का डिफरेंस, बट है तो जीप का ही ना, जीप का बेबी है। हाँ, तो जीप का इंस्पायर्ड फ्रॉम जीप है ऑब्वियसली। चलो मान लेते हैं। चिड़ गए थे कहीं भी, मतलब पूरी गाड़ी में मेरा फोन गिरा रही है, हैं? और फोन पे तो लगी रही है, गाड़ी पे भी लग रही है, तो पता नहीं क्या चाहती है। फोन गिर गया इसलिए फोन पे नहीं लग रही, इसलिए गाड़ी पे लग रही है। अरे मतलब तुम यार स्क्रैच तो लगते ही है ना, दोनों जगह लग रहे हैं यार। अच्छा ओके, व्हाटएवर, घर जा रहे हो कहाँ जा रहे हो? मैं नंबर प्लेट लगवानी है मुझे, टेम्परेरी आ गई है। कितनी देर लगेगी? और टाइम, चलो गाड़ी छोड़ देता हूँ, मुझे घर छोड़ दो, उसके बाद फिर हम आराम से, मैं फिर कार्तिक से मिल लूंगा। उसने चलाई नहीं ना गाड़ी अभी तक। ऑफ कोर्स थार ली है तो दोस्तों का तो आधा हक तो दोस्तों का होता है गाड़ी में। ओके, सो यू हैव टू गो एंड मीट योर फ्रेंड्स एंड शो देम योर गाड़ी, एंड उनको भी ड्राइव करनी पड़ती है, तब असली श्री गणेश होता है आपकी गाड़ी का। सो दिस वाज इट फॉर दिस व्लॉग, आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। एंड नाउ विग इज गोइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्क, जो थार का है वो नंबर प्लेट एंड ऑल, और मैं बाकी का काम कर रही हूँ घर पे। एंड यस, ही इज गोइंग टू हैव फन, राइट? ही इज ट्राइंग टू कंट्रोल हिज इमोशंस बिकॉज़ थार में जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, काम तो करवाने ही होते हैं। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, अब तो अभी तो काफी सारे काम, मैं तो टाइम निकाल के जा रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। यस, सो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में विद समथिंग मैजिकल फॉर यू। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, और प्रीति प्रेरणा के व्लॉग्स से भी जुड़े रहिए। बाय। तो ये अभी नंबर प्लेट लगवाने आया हुआ हूँ मैं, टेम्परेरी नंबर प्लेट आ गई थी। इसमें पॉलिश लगवाई साहब ने? हैं? पॉलिश? हाँ, साफ होके आई है आज। हाँ तो ये नहीं। दिलवाले कभी माने नहीं हार, कर ले तू भरोसा मेरे यार। 25,000 सब्सक्राइबर्स, आई मीन वाओ,
फाइनली आई एम नॉट एन एक्सीडेंटल यूट्यूबर, मैं एक सोची समझी यूट्यूबर हूँ एंड आप लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है आई रियली कैन नॉट पुट इट इन वर्ड्स. यू गाइज आर अमेजिंग. आई मीन मैं इतनी खुशी शायद मुझे उस चैनल पर भी नहीं हुई थी. आई मीन प्रीति प्रेरणा की जर्नी इज एब्सोल्युटली डिफरेंट एंड इस चैनल की जो जर्नी चल रही है बिकॉज यू आर लविंग मी फॉर व्हाट आई एम एंड दैट इज अनदर कॉन्फिडेंस फॉर मी. थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट. आई लव ईच वन ऑफ यू. आप लोगों का एक छोटा सा कॉम्प्लीमेंट, एक छोटा सा कॉमेंट मीन्स सो मच टू मी. थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट. आई प्रॉमिस टू स्टे ऑथेंटिक, रियल एंड एंटरटेन यू फॉर श्योर.